अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन क्लब। तो ये दोस्तों एक कबूतर है जो पकड़ा है, मेरे दोस्त ने पकड़ा है किसी ने, तो उसने जी मुझे आगे गिफ्ट किया। ठीक है, तो मैं आपको इसकी आँख दिखाता हूँ। सबसे पहले कबूतर बहुत खूबसूरत है जी, ये देखें, ये इसकी आँख है। ये अभी छाँव है, अगर धूप होती तो मैं आपको आँख इसकी दिखाता, क्या ही मज़ा आता धूप में देख के। ये देख रहे हैं कितनी वाजिया रिंग इसके चल रहे हैं आँख के अंदर। ये देख रहे हैं दंदाने दंदाने से हैं, पलक के ऊपर दंदाने दंदाने से हैं। छोटी सी चूँच है इसकी, जिसको मोमनी नोक बोल लें। ठीक है, तो ये जी इसके पार हैं, पार इसके उन्होंने कैच कर दिए थे। काफ़ी अच्छा कबूतर है और शाम के वक्त आके गिरा, ये देखें वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो शाम के वक्त आके गिरा था, तो ये मेरे पास आज नहीं, मेरे पास तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं ये आ गया। तो मैंने ऐसे इसको ना छोड़ दिया, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ गया, पार इसके काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे और अंदर की तरफ है, जिसको तलवार पार बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे अंदर को आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा पार इसको जी लगा हुआ है। अब पार तो नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, तो ये इसकी टेल है जी, काफ़ी बड़ी टेल के अंदर है, ये देखें, बड़ा कबूतर है, काफ़ी बड़ा कबूतर है। ठीक है, तो अब इसके मैं आपको दिखा दूँ पंजे, अंदर को पंजे घसेड़ लेता है ये, तो ये जी इसके पंजे हैं। ठीक है, ये देखें कुछ पंजों के अंदर है ये भी, और ये इसको कड़ी डली हुई थी 13 नंबर की। ठीक है, गुलाबी कलर की कड़ी है, 13 नंबर की है। ठीक है, तो ये इसको डली हुई थी जी, तो उन्होंने पकड़ा है शाम के वक्त। तो आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं मेरे पास ये जी आ गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कबूतर है, खड़े भी इसकी जो है ना काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, खड़ा भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो यार आज आपको ना ये कबूतर भी दिखा दूं, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं वो पीछे ना पूछते हैं फिर वीडियो के अंदर कि यार जो फलां कबूतर चल रहा था वो तो आपने दिखाया ही नहीं हमें, वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये जी कबूतर है जो कि पकड़ा है हमने, तो बहुत अच्छा ब्रीडर साबित होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, तो आप अपनी राय में बताइएगा मुझे कि ये क्या चीज़ बनेगा। ठीक है, और क्या ये ब्रीडिंग में अपना जो है ना वो काम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो मैं ना इसकी खड़ी होनी भी आपको दिखा देता हूँ कि खड़ा बहुत वैसे खूबसूरत तरीके से होता है, ऐसे गर्दन निकाल के खड़ा होता है, तो मैं ना खड़ा होना भी आपको दिखाता हूँ खड़ा किस तरह से होता है। तो ये ले फ्रेंड्स, ये जी कबूतर है जो कि आ गया इधर, तो ये देखे ना खड़ा कितना खूबसूरत, ये अब ना तंग जगह है यहाँ पे ये घुस गया, नहीं तो वैसे खड़ा जो है ना बहुत खूबसूरत तरीके से होता है। ठीक है, तो मुझे इसकी ना, मैं ना इधर को ना इसको काट के दिखाऊँ अगर ये आ जाए तो। ये देखें जी, ये जी कबूतर है, ये देखें ये सामने जा रहा है। ठीक है, तो ये देखें बहुत खूबसूरत तरीके से खड़ा होता है जी ये सामने, अब बहुत ही यार आउटस्टैंडिंग कबूतर है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, तो चीज़ भी देने वाली यही होती है, अगर किसी बंदे को कोई बंदा गिफ्ट करे ना तो इस तरह की चीज़ करेगा यार अगले बंदे को भी ना पसंद आए। ठीक है, तो ये जी मेरी छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा चलो यार ये कबूतर आपके साथ शेयर नहीं किया तो ज़रूर आपके साथ ये कबूतर भी जो है ना वो शेयर कर दें। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात हो गए, तब तक के लिए जा चाहते हैं, थैंक्स माय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।